पार्टी में अपनी आस्था जताते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यता ग्रहण करने वाले हमारे पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी, शत्रुघ्न मंडल जी, जो लोग भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर झामुमो में आ रहे हैं, और प्रदीप हाजरा जी, इन सभी का मैं अपने पार्टी संगठन की तरफ से और सभी पूरे संगठन की तरफ से इनका झारखंड मुक्ति मोर्चा में स्वागत करता हूं। साथियों, अब समय आ गया है जब इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों को एकजुट होना और एक छत के नीचे आने का। राज तो हम लोगों ने लड़कर ले लिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस राज को चलाने का, दिशा देने का काम दुर्भाग्य से ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जिन लोगों ने कभी इस राज की हित नहीं सोची, जो इस राज को अलग करने के घोर विरोधी लोग रहे, उन्हीं लोगों के जिम्मे में 20 सालों तक ये राज रहा। और आप ही बताइए, जिन लोगों को यहां के मूलवासी, यहां के आदिवासी, यहां के जल जंगल जमीन से कोई लेना देना ना रहा हो, वो इस राज के विषय में कैसे संवेदनशील हो सकते हैं? बीस साल का जो समय काल रहा है वो इतना दर्दनाक और इतना पीड़ादायक रहा, वो आप कई घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं। यहां के किसान, यहां के मजदूर, हमारे पढ़े लिखे नौजवान, सबके भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया। रात के आम जन तो छोड़िए, यहां के कर्मचारियों तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा। अपनी हक अधिकार की बात करने के लिए जो भी सड़कों पर उतरता था, कितनी लाठियां बरसाई, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला, और अपना हक अधिकार की मांग करते करते कई लोग तो शहीद भी हो गए, चाहे वो पारा शिक्षक हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, चाहे किसी भी संवर्ग का कर्मचारी हो। कभी भी इस राज के लोगों की सुध नहीं ली। 2019 की राजनीतिक लड़ाई में हम लोगों ने एक मजबूत गठबंधन बनाया, कांग्रेस आरएडी जेएमएम, और राज की जनता ने हमारी बातों पर विश्वास भी किया, और आज हमें राज का बागडोर इन लोगों ने दिया। और आपने देखा कि बागडोर संभालते ही कितनी चुनौती का सामना हमें हम लोगों को करना पड़ा। कोरोना जैसा महामारी आया, उस समय पहली परीक्षा की घड़ी थी हमारी, बड़े पैमाने पे इतने सारे लोग दूसरे राज्यों में गुजर बसर करने के लिए जाते थे, मजदूरी करने के लिए जाते थे,
और मुझे तो लगता है कि गिरिडीह जिला से तो सबसे अधिक लोग बाहर मजदूरी करने जाता था। अचानक लॉकडाउन, सारे कर्मचारियों को, सारे मजदूरों को कंपनियों ने धक्का मार के निकाल दिया। सब कुछ ठप पड़ गया और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि लोग अपने घर तक भी नहीं आ पा रहे थे। ऐसे परिस्थिति में हम लोगों ने उन मजदूरों के साथ खड़ा होने का निर्णय लिया और उन मजदूरों को, चाहे वो ट्रेन से हो, बस से हो, हवाई जहाज से ला ला करके घर में भेजने का काम किया। और आज उस जंग को भी हम लोगों ने बखूबी से निभाया। यहां के लोगों की संवेदनशीलता, यहां के लोगों की सेवा भाव ऐसे रही जो मुझे लगता है ऐसा मिसाल देश में कहीं नहीं मिलेगा। मजदूर राज रहा है ये झारखंड, बड़े पैमाने पर लोग पलायन करते थे, मजदूरी करते थे और मजदूरों की हालत तो ये होती है कि रोज कमाओ रोज खाओ, अगर वो कमाएगा नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा। और ऐसा महामारी कि घर में रहता है तो भूखा मरता है, बाहर जाता है तो बीमारी से मरता है। ऐसे स्थिति में इस रात की हमारी आंगनबाड़ी दीदियों ने, महिला समूह ने, गांव गांव, पंचायत पंचायत, सरकार के द्वारा मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के काम में जुट गई। इतने महामारी में भी उन महिलाओं ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन मजदूरों को खाना खिलाने का काम किया। मानो जैसा अपने बच्चे को मां पालती हो। किसी को भी हम लोगों ने मरने नहीं दिया। ये मंजर था। कई ऐसी चुनौतियां हमारे सामने आई, अभी भी चुनौती है, सुखाड़ की स्थिति पूरे राज्य में है, लेकिन उस चुनौती को भी हम लोगों ने मजबूती से लड़ने का संकल्प लिया है। और आज देखिए 20 साल के या झारखंड के इतिहास में कभी आपने देखा कि गांव गांव, पंचायत पंचायत में जहां पदाधिकारी जाने से कतराते थे, वहां पर पदाधिकारी लैपटॉप लेके, फोटोकॉपी मशीन लेके, शिविर लगा लगा करके लोगों का काम करता हूं। कोई एक उदाहरण हमको बता दो आप लोग। और आज 2021 से कई शिविरों का आयोजन हुआ। अभी कल ही एक शिविर का समापन हुआ। गांव गांव में, पंचायत पंचायत में लोग, पदाधिकारी, कोई ट्रैक्टर से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है और जाकर के शिविर लगा रहा था। क्योंकि हम लोगों ने कर्मचारियों का मनोबल को भी ऊंचा किया और उसका नतीजा ये हुआ कि लाखों की संख्या में हमें आवेदन मिले समस्याओं का। इस शिविर में लगभग 55-60 लाख आवेदन हमें मिला। और खुशी की बात यह है कि इन आवेदनों में से लगभग 40 लाख आवेदन उन्हीं शिविरों में उनका समाधान कर दिया गया। तो बताइए, ग्रामीण क्षेत्र में इतनी समस्या। आज बूढ़ा बुजुर्ग के लिए पेंशन की बात हो, आज जिस जंग को आदरणीय गुरुजी ने जीता, अलग राज हमें यहां दिलाया, आज उसी गुरुजी के सुपुत्र ने इस राज को 1932 का भी खतियान देने का, ये गौरव है हमारे लिए। और आज हमारे ओबीसी भाइयों का जो अधिकार यहाँ पर जो 27% का मिलता था, हमारे विरोधियों ने तो जब सरकार बनाया उन्हीं लोगों ने खत्म कर दिया था, 27 से 14% कर दिया। पता नहीं क्या इनको समस्या थी हमारे ओबीसी भाइयों से। आज पुनः हम लोगों ने
14% को बढ़ाकर 27% का निर्णय लेकर के इस राज्य को अधिकार देने का संकल्प किया। तो कई ऐसी चीजें हैं आज इस राज्य को समग्र विकास वही कर सकता है जो इस राज्य के ग्रामीण मूल भावनाओं को, इस राज्य के मूलवासी आदिवासी की भावनाओं को या मजदूरों की भावनाओं को समझता हूं। और शायद मैं समझता हूं इस राज्य की भावनाओं को जितना झारखंड मुक्ति मोर्चा समझ सकता है कोई और दूसरा नहीं समझ सकता। इसलिए साथी अभी और भी हमारी बैठक है, कुछ षड्यंत्रकारी पनडुब्बी सब पानी से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है, उस षड्यंत्र को अभी नाकाम करने के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और इस बात को अब आप लोगों को जवाब देना है, ये सब इस राज्य में ये षड्यंत्रकारियों का राज चलेगा कि यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का राज? इन किन प्रकार ये लोग लगे हुए हमें प्रास्त करने के लिए, हमें सत्ता से बेदखल करने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि ये आदमी 5 साल अगर यहाँ टिक गया तो यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को इतना मजबूत कर देगा कि जो लोग बाहर से आकर के यहाँ राजनीति करते हैं उसको खदेड़ने का काम करेगा। आप लोग खड़े रहिए, आप लोग डटे रहिए, मैं इन सब को एक एक करके देख लूंगा। तो आज हमें एक लड़ाई और लड़नी है, राज हम लोगों ने ले लिया, अब राज का विकास का जिम्मा हमें अपने अपने हाथों में लेना पड़ेगा और इसके लिए एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था हमें स्थापित करना पड़ेगा। और आज अगर हम इस राज को लड़कर ले सकते हैं तो इस राज का समग्र विकास भी करने की क्षमता हम रखते हैं, जिसको आज के इस राज के लोगों ने देखा है। तो इसलिए साथी मेरी और बैठक है, हम अपनी इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सभी यहाँ उपस्थित जितने जनमानस है आप सबका हम झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में स्वागत करते हैं। और आज से आप सब लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के कर्मठ सिपाही के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ेगा और राज्य को हम लोग बेहतर दिशा देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।